हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चाल तथा वेग में अंतर देखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हमारा चाल है और दूसरे तरफ वेग। तो चलिए पहला पॉइंट है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। मतलब क्या हुआ, ये एक अदिश राशि होती है। और वेग में क्या है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब ये एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। वेग का दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु का वेग परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। इसका तीसरा पॉइंट है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और वेग का तीसरा पॉइंट है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो फिर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।